गाइस यहाँ पे आपको एक बार रास्ता दिखा दिया जाए, और यहाँ पे जो बोर्ड वगैरह लगा है, मतलब कभी भी इन फ्यूचर आप लोग अगर विजिट करते हो तो आपको पता चले, तो मैं वेयर हाउस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फन सिटी का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है फन सिटी का। एंड इसके आगे सर जी हमारे हैं, तो सर जी बताएंगे अभी। ये फन सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग है अपना स्टाइलम की बिल्डिंग है। अच्छा, ये सामने स्टाइलम का बोर्ड आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ जी, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स अपना वेयर हाउस, ये स्टाइलम का जो रेड कलर का बोर्ड है, और मेन हाईवे पे भी हमारे डायरेक्शंस लगी हुई है। लीको जी, का जी, ये लीको का बोर्ड लगा हुआ है, देखो यार में ये रहा स्काई ब्लू। यहाँ से आपने यू टर्न लेना है जी, यू टर्न लेते ही इधर अंदर रोड चली जाती है सीधा, आप भी यहाँ पे यू टर्न आ गया जी। ये यमुनानगर मेन हाईवे है पंचकुला के साथ। ओके, यहाँ का गाइस पूरा एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इजीली आप लोग पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ उतरोगे तो। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास का बोर्ड लगा हुआ है जी। इसके साथ ही लिको का भी आपको जी बोर्ड लगा दिखेगा। अब यहाँ ये मेन हाईवे से बिल्कुल सामने अपना कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्या बात है, ये हमारा वेयर हाउस है गाइस। सो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम माय टू चैनल सेजू व्लॉग। तो गाइस आप लोग ने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक नहीं फॉलो किया तो कर लेना, वहाँ पे मैंने स्टोरी डाल दिया था कि आई एम वे टू चंडीगढ़। अभी गाइस चंडीगढ़ क्यों आया, आप लोग ने ड्रोन शॉट देख लिया, आप लोग ने सिनेमेटिक वीडियोस देख लिया, आप लोग ने सब देख लिया, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है, सुबह से हम लोग 4 घंटे से शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, एक इंडिया के सबसे बड़े वेयर हाउस के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मिलते हैं, होम अप्लायंसेस मिलते हैं। जस्ट लाइक आप बात करें तो वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एंड वाटर प्योरीफाई हो गया, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। गाइस आप लोग को मैंने ड्रोन के अंदर एक शॉट दिखाया है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल अगर गिनने जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे सर थोड़ा बिजी हैं डीलर्स के साथ, एंड थोड़ा उनसे टाइम मांगेंगे एंड पूरा बताएंगे। सर 2 मिनट टाइम मिलेगा आपका। तो ये हमारे सर हैं, मतलब सर यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत खुशी हो रही है। आपका जैसे नेचर है ना आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर एक चीज़, आपका नाम बता दीजिए। लोकेश मित्तल। तो हमारे सर, सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जब से आया हूँ ना, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो सर से सारे क्वेश्चन करेंगे। और मेन चीज़ क्या है मालूम है कि ज़्यादातर मैं कहीं शूट करने जाता हूँ तो जो ओनर होते हैं वो अपने बंदों को भेज देते हैं कि जा तू शूट कर दे और सब प्राइस वगैरह बता दे, लेकिन यहाँ पे इनका नेचर देख के मेरे को ऐसा लगा ये खुद आ गए, बोले नहीं मैं प्राइस बताऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट मेरा है। ठीक है, तो सर से एक क्वेश्चन करूँगा, सर ये बिज़नेस कब से स्टार्ट किया आपने और इतना बड़ा कैसे किया आपने? अराउंड इसको हमें शुरू किए हुए 3 साल के करीब हुए, अक्टूबर 2018 में हमने जी ये काम शुरू किया था जी। और धीरे 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 धीरे, मतलब क्योंकि प्राइसेस हमारे अच्छे रहते हैं तो एक्सेप्टेंस मार्केट में बहुत अच्छी है जी, तो डीलर्स वगैरह और रिटेल काउंटर हमारे बढ़ते रहे और काम ग्रो। प्राइस डिफरेंस कितना, मतलब कितने परसेंटेज पे अभी सब चल रही है? अब मान के चलिए जो मार्केट में बिकता है एंड यूजर को जो जो ये माल जाता है जी, ऑनलाइन से या मार्केट के प्राइसेस से 15-20% डिस्काउंट पे चला जाता है। 15-20% डिस्काउंट पे चला जाता है। yes. और मैक्सिमम अपना डिस्काउंट कितना है? मैक्सिमम 50-60-70% तक भी, 70% तक उतना डिस्काउंट है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से लोग माल परचेस करके उसको 50% में बेच रहे हैं, मतलब 20% खुद मार्जिन बचा के खुद बिजनेस कर रहे हैं। तो सर हमारे पास जैसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने में कितना टाइम गया होगा आपको? डिस्प्ले तो होते ही रहता है, ये डेली माल आता है, डेली चला जाता है, डेली आता है, डेली चला। तो ये एक बार आप लोग देख लो, इधर साइड देख सकते हो यहाँ पे फुल टीवी रखी हुई है और टीवी के अंदर हर एक ब्रांड रखा हुआ है। तो इसके ऊपर भी आएंगे, यहाँ पे भी बात करेंगे। मेन चीज़ गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ का लोकेशन, यहाँ का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, सीधा आपको कॉल करना है। या मैं तो बोलता हूँ अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको यहाँ पे विजिट करना है। विजिट करोगे सर आपको खुद हैंडल करेंगे बहुत, मतलब हर डेली यहाँ पे सर कितने डीलर आते होंगे आपके पास विजिट करने? सर चलता रहता है, मतलब 8-10 डीलर डेली आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रिज यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। सर प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे पास?
अपने पास सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है जी, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जी, चिमनी, डिश वॉशर्स, अच्छा, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, ये सारी आइटम्स हैं। तो एक एक करके एक्सप्लेन करें क्या? हाँ बिल्कुल प्लीज। तो पहले स्टार्ट किससे करेंगे? अब देखिए जहाँ से आपको ठीक, फ्रिज से स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रिज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितना परसेंटेज से स्टार्टअप है और एंड कहाँ पे हो रहा है? फ्रिज हमारे पास आप मानिए कि 8-8.5 हज़ार से शुरू हो जाते रेंज जी, और 3-4 लाख रुपए तक की, 5 लाख रुपए तक की रेंज के सारे फ्रिज आते हैं। है अवेलेबल? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल। और कितने डिस्काउंट में मतलब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप ओन एमआरपी? आप मान के चलिए कि अगर मार्केट में कोई भी फ्रिज 20 हज़ार का सेल हो रहा है तो जी, एंड यू मतलब डीलर को हम वो 12-13 हज़ार रुपये में प्रोवाइड, मतलब 8-10 हज़ार का प्रॉफिट, मतलब अप्रोक्स 50-60% जा रहा है ये। हाँ, एमआरपी से 50% तक चला जाता है और जो ऑनलाइन प्राइसेस होते हैं उसे 30-40% तक। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फ्रिज की कंडीशन देखो, ये जो सारी फ्रिज होती हैं ये आप लोग परचेस कर सकते हो, बट जो होलसेलर होंगे वहाँ से, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे भाई खुद यहाँ पे मतलब बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने, और ये इनको चाहिए डीलर। और अगर आप लोग पूरे इंडिया से ये चीज़ देख रहे हो तो आपको डीलर बनने में जो फ़ायदा है वो सर से पूछता हूँ मैं, अगर फ्यूचर में मुझे भी डीलर बनना है, बट अभी सर से पूछता हूँ, सर डीलर बनने में क्या बेनिफिट है? देखिए मतलब इसका अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ जी, जो भी इन्वेंट्री है जैसे आप देख रहे हैं कि अमेजोन बेसिक का ब्रांड है, सैमसंग है जी, एलजी, सैमसंग, सारे ब्रांड्स यहाँ पे पड़े हैं। मार्केट में जो रेट पे बिक रहा होता है जी, जब आप अपनी दुकान पे बेचते हैं तो उसको मार्केट रेट से 15-20%, 50 हज़ार वाली चीज़ आप 40 हज़ार में बेच रहे हैं जी, तो कस्टमर के लिए भी एक ठीक ठाक गैप आ गया। हाँ। और आपको भी उसके पीछे 15-20% मार्जिन बच गए हैं। क्या बात है, ठीक है। तो और भी जो अंदर की चीज़ें हैं वो आप तो बाद में बैकग्राउंड में बताओगे, तो मैं काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी है कि ओपनली हम नहीं बोल सकते, वो डीलर आएंगे, डीलर आएंगे तो उनको डिटेल में बता सकते हैं मार्जिन कैसे कैसे। आओ दो तीन फ्रिज की आपको कंडीशन बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे। आओ पास में आओ, ये देख लो अंदर से खोल के। अच्छा सर ये इतनी सस्ती क्यों होती हैं मुझे बताएंगे आप? एक्चुअली हम सारा जो हमारा बिजनेस है रिवर्स लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो भी जी जो भी इन्वेंट्री अमेजोन फ्लिपकार्ट से निकलती है जी, कोई कस्टमर रिटर्न है, कोई एजिंग की इन्वेंट्री है जी, कोई हल्का मोटा कोई डेंट स्क्रैच जैसे आप देख सकते हैं, ये हल्का सा स्क्रैच है। हाँ। इस तरह की इन्वेंट्री वर्किंग होती है विद सीरियल नंबर होती है विद जीएसटी पेड रहता है, जीएसटी पेड रहता है। हाँ। तो और सर्विस की बात करें तो जैसे सर्विस इनकी प्रॉपर कंपनियों से मिलती है, अगर इन एनी केस 5-10% कंपनियों से कोई इशू आता है जी, तो उसके लिए हम सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें जी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक बार ये देख लो, इधर साइड में फ्रिज रखी हुई है, ये सारी एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, ये चीज़ देखो एक वीडियो में मैं आपको पूरा कवर नहीं कर सकता कि हमारे पास क्या क्या है। आप नीचे अगर कमेंट करेंगे सेपरेट कोई एक प्रोडक्ट पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए चंडीगढ़ आ जाऊंगा अहमदाबाद से। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सर ये तो बात रही फ्रिज की, और उधर भी देखो थोड़ी बड़ी डबल डोर एंड बड़ी बड़ी फ्रिज रखी हुई है, तो क्या चीज़ सर इसमें क्या चीज़ है खास? बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंटरी, ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू। हमारे पास ऐसी डील्स भी आती रहती हैं जी कि कंपनियों से हम बल्क में मटेरियल सिंगल शॉट उठा लेते हैं जी, ऐसे अगर इसका मार्केट का रेट 85,000 या 80,000 होगा जी, तो डीलर्स को हम ये टेंटेटिवली आप मान के चले 65,000 के बीच में प्रोवाइड करती हैं, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंट्री रहती है। अलग अलग ब्रांड्स में हमारी डील्स आती रहती है टाइम टू टाइम जी। सर ये क्या चीज़ है टोटल क्वान्टिटी 3? ये तो वैसे हमारी इंटरनल इन्वेंटरी। अच्छा इंटरनल इन्वेंटरी, अच्छा अच्छा सर जैसे ये चीज़ देखो, अभी दो तीन क्वेश्चन और हम पूछेंगे। देखो ब्रांड न्यू है और इसका डिस्काउंट की अगर बात करें तो सर ये कितने परसेंटेज पे दे रहे हैं आप? सर इसका जो डीपी है, डीपी से हमारा 35-40% लेस पे, 35-40% लेस पे मिल रहा है चीज, ठीक है। ये चीज़ देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे आओगे ना तो आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी गाइस, और ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है तो आप लोगों को फुल फोकस से देखना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे छूट गई तो आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सर अभी मेन प्रोडक्ट पे जो हर किसी का पसंदीदा होता है, ज़्यादा ट्रेंडिंग है हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में, वो है टीवी के ऊपर। तो टीवी के अंदर कौन कौन से हमारे पास ब्रांड अवेलेबल है अभी? टीवी में सर जो भी ऑनलाइन ब्रांड बिकते हैं, चाहे वो एलजी है, सैमसंग है, एमआई है, पैनासोनिक है, Realme हो गया, MI हो गया, Hisense है, सारे ब्रांड्स हमारे पास आप देख सकते हैं, Kodak का है, बिल्कुल कोरियो, मतलब ऐसे ऐसी ब्रांड यहाँ पे रखी हुई है जो आज तक मैंने नाम नहीं सुना है, बिल्कुल ठीक है। और ये इतनी नहीं है,
एक्चुअली में यहाँ से लेके अंदर तक पूरा गोडाउन है जो हमने आपको सिनेमेटिक वीडियो में दिखाया। तो सर अगर इसकी टीवी की परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा परसेंटेज? सर वही बात है कि टीवी जो भी मार्केट में बिक रहा है जी 24 इंच से लेके हमारे पास 86 इंच तक के टीवीज अवेलेबल हैं जी। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 4-5 हज़ार से शुरू होके जी ये हमारे पास 7 लाख रुपए तक की रेंज के टीवीज अवेलेबल। 4-5 हज़ार से 7 लाख? जैसे मैं एक फिक्स पूछूं आपको प्राइस मालूम होगा। हाँ हाँ। तो ये चीज कितने का होगा? ये टीवी अगर आप मान के चले 24 इंच टीवी है ये अराउंड 5 हज़ार रुपए की रेंज में। 5 हज़ार की? और ये मार्केट में कितने की बिक्री होगी? मार्केट में ये 7-7.5 हज़ार। 7-7.5 हज़ार। और जो बल्क में लेंगे उसका भाव अलग? नहीं ये बल्क वाला ही, बल्क वाला ही भाव है। ओके लो बल्क वाला ही भाव है सर। ऐसा अभी यहाँ पे देखो, ओके आओ मेरे पास आओ, इधर देखो पास ले आए। 55 इंच की टीवी है सर? हाँ बिल्कुल। और एंड्रॉइड कौन सी कंपनी है सर? फाल्कन है, ये TCL का ब्रांड है, आई फाल्कन जी, काफी अच्छा ब्रांड है जी, अच्छी क्वालिटी है। तो इसका प्राइस मुझे बता सकते हैं? इसका प्राइस अराउंड 30,000 के करीब, 30,000। और न्यू की? न्यू मतलब न्यू है बट अगर मार्केट की देखने जाए तो कितने की मार्केट की? 40,000 की। 40,000 और एकदम ब्रांड न्यू होगी अंदर से? ब्रांड न्यू, सिर्फ इसकी सील ओपन होगी, प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू। 10,000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा, मार्जिन मिल रहा है। तो ये था टीवी का सेक्शन। टीवी में बहुत सारी है, देखो यहाँ पे आओ, मेरा काम है एकदम शॉर्ट में आपको हर एक चीज़ दिखाना कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी सर ये तो फ्रिज और टीवी हो गया, अभी हमारे पास है यहाँ पे वाटर प्योरीफायर, तो सर इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए हमको। ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंट्री है जी, जी सील पैक है कंपनी की तरफ से, सारा कुछ एज इट इज मटेरियल है जी। 15,000 वाला जो वाटर प्योरीफायर है जी, वो जो डीलर प्राइस हम दे रहे हैं 4,000 रुपये। 15,000 वाला 4,000? 4,000 बिल्कुल। हाउ इज पॉसिबल गाइस, समझ सकते हो आप लोग अगर इसको 4,000 में भी बल्क में? अच्छा मिनिमम MOQ वो तो पूछा ही नहीं हमने। MOQ तो ऐसे है जी, वैसे तो मिनिमम 50 रहती है। अच्छा जो हर एक प्रोडक्ट में कि मतलब किसी में 20 किसी में 50 ऐसा? अच्छा। और जो भी नए डीलर जो नए भाई हमारे से जुड़ना चाहते हैं जी, तो एज सच कोई MOQ वाला उनसे कंसर्न? अगर कोई बंदा छोटा डीलर है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन वो सोच रहे कि थोड़े से स्टार्ट करें, तो उसके लिए क्या है सर? सर कोई भी इशू नहीं है, हम सबको वेलकम करते हैं कि कोई भी बंदा आए जी, चाहे वो 5 पीस से 2 पीस से शुरू करे जी, हमारी तरफ से सपोर्ट है। नो इशू। क्या बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो यार अगर बड़ा बिजनेस करना है या छोटा बिजनेस करना है आपको 1,000-2,000-5,000 खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा ट्रेन पकड़ो, कहीं पे भी रहते हो, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, सीधा विजिट करो चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ के स्टेशन पे उतरोगे सीधा, सर ने हमको एड्रेस बताया था गाड़ी के अंदर क्या, फिर से एक बार बता देते हैं। यमुनानगर हाईवे पे हमारा जो वेयर हाउस लोकेटेड है फन सिटी के साथ, फन सिटी के पास। ओके बिल्कुल। और सर पंचकुला में, और ये भी है कि सर अगर कोई आ रहा है जिसको रास्ता नहीं मिल रहा तो उसके लिए क्या सुविधा है? लोकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी हमारा जो नंबर दिया गया है एनी टाइम आप कॉल कीजिए, आपको वीडियो कॉल पे भी हम सारा कुछ बता देंगे, करवाएंगे। ओके। और लोकेशन से लेके कोई प्राइसेस आपको लिस्टें चाहिए और हर एक चीज़ बताया जाएगा कि ये प्राइस क्यों कम है, इस पर कितना डेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्रांड मटेरियल अवेलेबल है, लिस्टें जो है उसकी प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, उसके ऑनलाइन रेट, उसके MRP हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। ताकि आपकी वर्किंग ईजी हो। ओके तो गाइस आगे आ जाओ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इसका बल्क आगे भी रखा हुआ है तो हम लोग सीधा अंदर चलते आ जाओ, वो देखेंगे। और यहाँ पे सर आपके पास जैसे हमारा टीवी हो गया, ठीक है, वाटर प्यूरीफायर हो गया और फ्रिज हो गया, और क्या चीज़ बचा है हमारे पास? हमारे पास सर जैसे डिश वॉशर पड़े हैं, चिमनीज हैं यहाँ पे जी, एंड उसके अलावा गीजर्स हैं, हीटर हैं, तो अभी ओवन है, ये सारी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल है अभी? Yes. तो देख लेते हैं ये चीज़ क्या है सर? ये ऑयल हीटर है जी। ऑयल हीटर अभी? हाँ। ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा चलती है? ये जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में हमारे खूब बिकता है, दिल्ली NCR वगैरह में जी। तो क्या रहता है कि ऑक्सीजन नहीं बर्न करता। 25,000 इसकी MRP है जो हम डीलर बंधुओं को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। 6,500 में दे रहे हैं ये प्रोडक्ट। 25,000 की चीज़ 6,500 रुपीज़ में, और इजिली ये 10,000 में मार्केट। तो कितना परसेंटेज हो गया सर?
70% के आसपास हो गया, तो ये भी ले सकते हो गाइस अगर आप लोग ठंड की जगह पे रहते हो और वाटर सॉरी ऑयल आपको हीटर करना है, ऑयल गर्म करना है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्केट में 10,000 के आसपास बिक रहा है, लेकिन सर आपको होलसेल के अंदर देंगे। मिनिमम एम ओ क्यू की बात करें तो यार देखो सर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा सर ये तो हो गया, अभी और कुछ बचा इधर कुछ दिखाने के लिए? डिशवॉशर्स पड़े हैं, आप देख सकते हो, देख सकते हो गाइस ये पूरा जो बल्ब के पीछे तक डिशवॉशर है, आप ऊपर कैमरा करके देख सकते हो ऊपर डिशवॉशर रखा हुआ है। और इसको मैं खोल के दिखा दूँ तो इसकी प्राइस की बात करें, देखो एकदम ब्रांड न्यू है अंदर से और बाहर से। ठीक है सर, इसका डिशवॉशर का अगर प्राइस का हम बात करें, डिशवॉशर का एक होता है MRP, एक होता है इसका जो ऑनलाइन सेलिंग प्राइस आज का Amazon या Flipkart का। तो जो ऑनलाइन प्राइस रहेगा टेंटेटिवली अगर इसका 20,000 रुपए के करीब ऑनलाइन प्राइस है, उस पर भी हम 60% लेस आपको देंगे। कितना हो गया 60% के हिसाब से? 8,000 रुपए का रह गया जी, 8,000 रुपए का डिशवॉशर। तो MOQ में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग करो आसानी से बिजनेस करो। MOQ में कोई लिमिट्स नहीं है अभी जी, आप चाहे 10 पीस लीजिए, 5 लीजिए, 2 लीजिए, काम शुरू कीजिए जी। अभी हम लोग और अंदर चल रहे, ओके यहाँ पे हमारे पास अच्छा अलग अलग टाइप्स के हैं यहाँ पे प्राइसेस अलग अलग। अच्छा सर इसके बारे में तो मैंने डिटेल में नहीं पूछा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितना है हमारे यहाँ पे डिशवॉशर का? डिशवॉशर की जो रेंज अपने पास आफ्टर डिस्काउंट शुरू हो जाती है जी 8,000 रुपए से शुरू होकर 20-25,000 तक सारे ब्रांड्स कवर हो जाते हैं जी। ओके तो ये हो गया डिशवॉशर। अभी सर बात करते हैं AC की। यहाँ पे हमारे पास वॉल AC है, विंडो AC है, दोनों AC है। और सर AC की अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है? सर ACs में आप देख सकते हैं कि हमारे पास थोड़े से ओपन बॉक्स में आते हैं, लेकिन इनका प्राइस का जो मार्केट से गैप 8-10,000 रुपये का गैप रहता है, 8-10,000 रुपये का गैप रहता है इसकी। ये चीज़ आओ इधर आओ पास बॉक्स, बॉक्स ही इसका ओपन है जी, ये चीज देखो गाइस बॉक्स ओपन है। इसकी प्राइस क्या बताया सर आपने? सर इसके अब मार्केट रेट से 8-10,000 रुपए का गैप रहता है, 8-10,000 का गैप रहता है। ओके तो यहाँ पे गाइस और देख सकते हो यहाँ पे कितनी अभी ये जितने ही प्रोडक्ट्स है सर मिनिमम आप कितने परचेस करके रखते हो वन टाइम? सर हमारा चलता रहता है कंपनी के पूरे वेयर हाउसेस हम उठा लेते हैं कि जहाँ पे हमें कोई डील अच्छी लगी, क्योंकि हमारी मार्केट काफी बड़ी है, डीलर्स हमसे काफी जुड़े हुए हैं जी, तो ऐसा कोई वो नहीं रहता कि लिमिट नहीं रहती इन चीज़ों की। गाइस अगर आपको AC के अंदर जाना है AC का बल्क और परचेस करके आपको सिंगल या रिटेल में या होलसेल में बेचना है तो सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर्सनली आके मिलोगे तो बड़े बिजनेस कर सकते हो। सर आपकी कॉफी आ गई, आप चाहे तो पी सकते हो हमारे साथ साथ। ओके सर ये चीज़ क्या है, ये AC है क्या? हाँ ये भी AC है। तो ये तो फुल्ली पैक AC लग रही, कंपनी से डायरेक्ट आए हुए हैं, उधर साइड बिल्कुल ओपन था और इधर पैक है पूरी। ये इन्वेंटरी का फर्क रहता है, ये हमारे पास जो Amazon, Flipkart वगैरह की इन्वेंटरी आती है, ये हम फ्रेश कंपनियों से डील करते हैं ये। यस इसमें प्राइस का गैप थोड़ा मार्केट से कम देते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेंटरी में फिर भी हम मार्केट से काफ़ी अच्छे रेट आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है सर, ये चीज़ जो है डायरेक्ट आप डीलर को ही दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को ही दे रहे हैं या ऑनलाइन भी माल बिक रहा है आपका? नहीं हम ऑनलाइन कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डीलर्स को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और हमारे अपने रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप डीलर हो या होलसेलर हो तो सर जो है अंदर की बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं बता रहे, ताकि आप लोगों का बिजनेस ना टूटे या आपको बिजनेस में कोई लॉस ना हो। बिल्कुल जो आपको मार्जिन मिलने वाला है सर वो चीज़ आपको बैकअप में बताएंगे, बैकग्राउंड में बताएंगे, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। फिर भी यहाँ पे अप्रोक्स 70% हमको छूट मिल रही है परसेंटेज। ये सर क्या है? ये सर छोटा सी दिखा नहीं मुझे, क्या चीज़ है ये? माइक्रोवेव ओवन वगैरह हैं, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह हैं। ये चीज़ देखो सर के पास क्या नहीं आता है, ये चीज़ देखो यहाँ पे माइक्रो ओवन और यहाँ पे ये चीज़ क्या है सर? ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है ना? यस। तो इसका क्या रेंज है अपने पास? इसका आप लगा के चलिए कि जो MRP इसकी रहती है MRP से 50-55% लेस पे रहती है। अच्छा सब चीज़ें सर अपने पास, तो क्या नहीं है यहाँ पे? देखो ये सारी फ्रिज कितने सारी रखी हुई है, थोड़ी बहुत पैकिंग डैमेज है, पैकिंग डैमेज इन्वेंटरी है जी, 2021 का माल है, 2021 यस। तो जो फ्रिज जनरली आपको मार्केट में 25,000 रुपए का मिलता है 250-60 लीटर का, वो हम आपको यहाँ पे 14,000 रुपए में दे रही है। क्या बात है, आओ यार देख लो ऊपर क्या रखा हुआ है सर। ऊपर कूलर्स वगैरह की इन्वेंटरी है, सारे ब्रांड्स के कूलर हैं जी, ओनली कूलर्स है, पीछे तक भरे हुए हैं ये पूरे वहाँ तक ना। हाँ ये जैसे यहाँ तक दिवाले ना, 1500 कूलर यहाँ पे पड़ा होगा। ओके इनकी क्या रेंज है सर? इनका मान के चलिए कि MRP से इन कूलर्स का
70% लेस रहता है। 70% लेस मतलब अगर 10,000 का कूलर है तो वो 3,000 का बिल्कुल मिलेगा। बट अभी भी बता दूं इसके अंदर लिमिट है क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब क्वांटिटी में ही है, एक एक पीस तो हम सस्ती चीज़ है ना तो आपको थोड़ा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और ये तो अभी जो भी वीडियो बन रही है ना ये होलसेल के लिए बन रही है ताकि आप डीलर बन सको, आप बिजनेस कर सको। अगर आपको सिंगल पीस चाहिए या आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो इनके आउटलेट्स हैं कहाँ कहाँ पे हैं और क्या नाम है वो बता दीजिए। हमारा लिको के नाम पे हमारी ब्रांड चेन है जी, तो पंचकुला सेक्टर 20 खरड़ में है हमारा स्टोर जी। उसके बाद चंडीगढ़ में 35 सेक्टर में, पटियाला में, लुधियाना में जी, कलकत्ता में हमारा स्टोर है, हावड़ा में ओके, एंड जोधपुर में हमारा स्टोर। तो ये प्राइस जो है सेम हमको आउटलेट पे मिलता है या थोड़ा सी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब जो रिटेल के मार्जिन हैं, लेकिन मार्केट से फिर भी काफी डिस्काउंट है क्योंकि यहाँ पे सर जी जो है हमारे बल्क में माल लेते हैं और अगर हम लोग आउटलेट पे माल भेज रहे हैं तो वो ब्रांड न्यू होना चाहिए और ब्रांड न्यू होने के लिए उसके पीछे जो इंसान काम करते हैं, हजारों पीस में से कुछ 100 पीस निकाले जाते हैं ढूंढ के और बहुत सारे प्रॉफिट नुकसान भी होते हैं सर को, तो उसके हिसाब से आउटलेट में थोड़ा बहुत मार्जिन रखना पड़ता है। और ओके यहाँ पे हमारे पास ये इधर वेयरपूल का भी सारा रखा हुआ है, सारा क्यूसी टेस्टिंग एरिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जी वो चीज़ों को बार बार मतलब चीज़ें चेक करते हैं, उनको प्रॉपर उनकी वर्किंग आप पास से देख लीजिए, पास से देख लीजिए यहाँ पे ये अभी सेमी मशीनों की क्यूसी चल रही है यहाँ पे, ये एक एक चीज को अच्छे से चेक करते हैं जी और देन आफ्टर इसको हम डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको बेचने के बाद कोई परेशानी ना हो। ये सेमी मशीन है, ये सेमी सेमिंग वॉशिंग मशीन, ये इसका प्राइस ये 3,000 के आसपास की रेंज। भाई साहब मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, रिटेल में बंदा कितने की बेच रहा था, आप लोगों को वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, रिटेल में डबल में बिक रहा। सच्ची सच्ची बता रहा सर। और इसकी क्या प्राइस है सर? इसकी टेंटेटिवली 10,000 के करीब होगी। और ये नए की क्या कीमत है? नए की इसकी होगी 15,000 रुपये। गाइस ये देखो ब्रांड न्यू, ठीक है 10 से भी कम ही होगी इनफैक्ट। देखिए जो भी आपको प्राइस बताई जा रही है ना गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिक्स नहीं, आओ पास में आओ, देखो यहाँ पे अंदर देखो गाइस, मतलब एकदम क्लीन ब्रांड न्यू, ठीक है। और इसकी सीधी सीधी आपको 5 से 10,000, 5 से 7,000 का जो प्रॉफिट मिल रहा है, मिलना होता है मिल जा रहा है। ओके गाइस यहाँ पे देखो और भी सारी ओनिडास की टेस्टिंग के लिए पड़े हैं या चेक होके पैक हो चुकी है। अच्छा जो भी आप माल प्रोवाइड करेंगे आप ऑल ओवर इंडिया बंदों को या लोगों को या डीलर को तो वो माल चेक करके देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। या बिना चेक किया हुआ प्राइस अलग होता है? डिपेंड करता है जी, बिना चेक किए हुए का जैसे एज इट इज बंद गाड़ियां किसी ने लेनी है हाँ। तो वो डिस्काउंट हो जाते हैं जी। और अगर काफी हमारे भाई ऐसे होते हैं कि उनको सारा टेस्टेड मटेरियल चाहिए जी तो प्रॉपर क्यूसी करवा के हम प्रोवाइड करते हैं। ओके देखिए ये सारे रेफ्रिजरेटर यहाँ पे गाइस, देखो कंडीशन देखो, आप लोग आगे तक देख के आओ, पूरा देख के आओ, मैं आपको बता रहा हूँ, जाओ देख के आओ, ये पूरा आप लोग माल देखो गाइस। और ये पूरा फ्रीज है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो गाइस ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया है। सर इसकी प्राइस की बात करें तो क्या है ये रेफ्रिजरेटर? आप मान के चलिए 8400 में हम डीलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड न्यू इन्वेंट्री है ये। 8400? यस। मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा? नहीं नहीं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस रेट में कोई भी 8400 अवेलेबल नहीं है ही नहीं सर। अच्छा पैक है? पैक्ड है, पैक्ड है गाइस, एकदम ब्रांड न्यू पैक्ड है, पूरा चेक हो चुके हैं, ये सिर्फ मार्केट में इनको निकलना है और बिकना है। सर इसकी मार्केट की वैल्यू कितनी होगी? मार्केट करीबन 12,000 रुपये का फ्रिज होगा। 12,000 का फ्रिज है ब्रांड न्यू, आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिला। पीछे देखो सर ये टीवी, मतलब टीवी आपने पूरा इंडिया का उठा लिया था क्या? आता रहता है ये टीवी, आता रहता है, इसमें ब्रेकेज वगैरह भी आती है, क्यूसी चलती है, साथ के साथ बिकता रहता है। तो सर सिंगल पीस मुझे अहमदाबाद डिलीवरी देंगे क्या? आपको तो जरूर देंगे, मुझे खाली आप लोगों को नहीं। आप लोगों को कम से कम कितने पीस लेना हो तो ये ले सकते हैं? डीलर भाई कोई भी 20-30 पीस से शुरू कर सकते हैं कोई ऐसा जी। अगर कोई बंदा ऐसा कह रहा है कि मुझे सर या 6 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, बिजनेस नहीं करना है, घर में लगाना है या घर में कुछ, रिटेल आउटलेट्स है ना वहाँ पे हम अच्छे डिस्काउंट पे प्रोवाइड करेंगे। रिटेल का कोई भी कस्टमर हम यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते हैं जी, यहाँ पे सिर्फ डीलर्स को। हाँ कोई छोटा हमारा छोटे लेवल पे कोई भाई काम कर रहा है उसको 5 बिजनेस कर रहा है, अगर काम कर रहा है ओनली बिजनेसमैन जी, तो 5 फ्रिज चाहिए, 10 टीवी चाहिए, इस तरह से छोटा मोटा कोई ऑर्डर बनता है जी, तो हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करें जी। और गाइस इनके जो आउटलेट्स हैं, इन फ्यूचर अगर आउटलेट्स के अगर हम लोग ऑनलाइन सारी डिलीवरी होती है आउटलेट पे से ऑल ओवर इंडिया, क्या अभी होना बाकी? डिलीवरी हम नहीं करते हैं अभी जी, रीजन बीइंग उसमें
काफी सारे फैक्टर रहते हैं, कई बार किसी प्रोडक्ट पे डेंट स्क्रैच है, कस्टमर को लगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, ये प्रोडक्ट क्या भेज दिया, तो हम लाइव इन्वेंटरी वहाँ पे सेल करते हैं। तो कभी फ्यूचर के अंदर अपन को वहाँ पे मतलब अहमदाबाद या गुजरात या और आउटलेट खोलना बिल्कुल पड़ेगा क्या? वेलकम है जी, अगर किसी भाई को इंटरेस्ट है कि हमने वहाँ पे रिटेल आउटलेट खोलना है, आपसे मिलके खोलना है, आपके लिको ब्रांड के अंडर खोलना है, या फिर हमने अपना काम करना है, तो हर तरीके से वेलकम है। हम पूरी गाइडेंस देंगे, हमारे बंदे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या प्रॉफिट आ रहा है, किस तरीके से माल सेल करना है जी, और उनको पूरा सेटअप हम बनवा के देंगे, आप खुद करके देंगे। और सर पेमेंट की अगर बात करें तो जो कि बात नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा ऊंचे लेवल की बात हो जाती है, लेकिन हमारे नए बंदे भी देखते हैं जिनको पेमेंट में नहीं समझ में आया, तो सर पेमेंट कैसा रहेगा? पेमेंट ऑन डिलीवरी रहती है जी, जहां से जैसे मटेरियल पैक होगा लोडिंग के टाइम पे पेमेंट एडवांस रहती है जी, क्योंकि फुल पेमेंट, हाँ फुल पेमेंट, फुल पेमेंट एडवांस, आपकी गाड़ी लोड होती है तो साथ के साथ पेमेंट एडवांस ही रहती है। ओके, तो फिर आप अपने घर पे ले मंगवा सकते हो, मतलब फिर यहां से गाड़ी निकलेगी अगर पेमेंट हो गया, पेमेंट, उससे पहले पेमेंट वगैरह देने से पहले आप लोग यहां पे विजिट करो, विजिट करिए, आप अपने सामने माल चेक करवाइए, लोडिंग करवाइए, पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, गाड़ी रिलीज हो। सर कुछ प्रोडक्ट्स बाकी हैं अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ प्रोडक्ट तो एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, अगर आप बात करने चले ना मेरे ख्याल से 2-4 घंटे और चाहिए होंगे। अभी हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ है गेमिंग हेडफोन्स कीबोर्ड्स स्पीकर्स हार्ड डिस्क ड्राइव नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग आईटी और गेमिंग, अगर चैनल ओपन करना है या पीसी बिल्ड करना है, मतलब कुछ भी करना है, सर के पास एक अलग सिस्टम है, अलग चीज़ है, उसका सेक्टर सेक्शन पूरा अलग है। ये तो मेन जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं आपको वो प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं जी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मेरे पास गारमेंट्स में, गारमेंट्स सर ने पहना ये ब्रांड है ठीक है, और ये इसकी भी डील करते हैं ना सर? हाँ, गारमेंट्स का हमारे पास स्टॉक आता रहता है, उसके बाद सपोर्ट्स की इन्वेंटरी आती रहती है, और ये वॉच मैंने आज ही परचेस की है सर के आउटलेट पे से परचेस की हुई है, देखो पास से दिखा दो एक बार, ये ब्रांडेड है ठीक है, स्वीसेगल, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाला हुआ था तो देख लेना, तो ये यहीं से परचेस की हुई है। इंडस्ट्रियल टूल्स हो गए, होम एंड गार्डन हो गया, इस तरह की अलग अलग इन्वेंट्रीज आती रहती हैं, वो इन्वेंट्री हम बंद की बंद एज इट इज बल्क उठाते हैं और बल्क में ही वो डीलर सीधा डायरेक्ट देते हैं, उस पे तो इनफैक्ट 90% तक के डिस्काउंट। वो 90% डिस्काउंट? हाँ जी। तो सर कभी मौका मिलेगा तो फ्यूचर में वो सबके भी ऊपर वीडियो बनाएंगे ठीक है, तो बस आपको प्यार देना है, इस वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, क्या समझ में नहीं आया आपको या आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो नीचे आप लोग कमेंट करो और क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इनकी टीम का मेंबर कोई देख रहा होगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा या तो मैं ही रिप्लाई दे दूंगा। मेन फोकस करना है कि आपको यहाँ पे विजिट करना है, बहुत ही आसान है, सीधा आपको कहीं पे भी हो चंडीगढ़ स्टेशन से उतर के ओला वाले को एड्रेस दे दोगे, वो पहुँचा देगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल पहुँचा देगा इनके आउटलेट पे। फिर आपको बिजनेस करना है या सिंगल पीस खरीदना है तो आउटलेट पे से इनके डायरेक्ट आप वेयर हाउस में आ सकते हो या आप आउटलेट पे से कुछ भी चीज़ परचेस कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्काउंटेड पूरा अवेलेबल है। और इस वीडियो के थ्रू जो भी बंदा आएगा उसके लिए रिटेल में भी हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। क्या बात है, तो मुझे तो डिस्काउंट नहीं मिला सर, ये वॉच लिया मैं। सर आप ऐसे गिफ्ट ले जाइए तो सर कुछ बच रहा है हमारे बताने के लिए व्यूअर्स? मेरा तो यही है कि देखिए काफ़ी सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि कोविड के दौरान कईयों की जॉब्स चली गई हैं जी, उनके बिजनेस बंद हो गए हैं जी, या किसी वजह से कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल दिक्कतें हैं जी, किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, बंदा कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, एक लाख थोड़े से शुरू करना है, एक लाख दो चार पांच लाख रुपए में कोई हाँ। तो वो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, आप बिल्कुल फील फ्री करिए यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए, आपको माल खरीदना है या नहीं खरीदना है ये कोई कंडीशन नहीं है। कि कई बंदे हेजिटेट करते हैं कॉल करने में ही कि हमें पता नहीं कोई बंदा यहाँ पे अटेंड करेगा नहीं करेगा, तो हर तरीके की सपोर्ट हम आपको देंगे, आपको सारी गाइडेंस देंगे और आपका बिजनेस हम शुरू करवाने में पूरी मदद करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक पूरे इंडिया में कितने डीलर्स को आप हैंडल कर रहे हैं? सर हमारा अगर डीलर नेटवर्क की बात करें तो छोटे से बड़े तक और ऑन ऑफ चलता रहता है, कि काफ़ी बंदे तो रेगुलर काम करते हैं, काफ़ी बंदे कोई एक बार दो बार चार बार काम करते हैं या जी 6 महीने बाद कोई डीलर आया, तो ओवरऑल 550 डीलर्स को हम सर्व कर चुके हैं अभी तक और अभी आगे फ्यूचर में करेंगे। बिल्कुल, तो सर यहाँ पे एंड करेंगे वीडियो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी दूर से आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो शूट करने आया, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो यार बिल्कुल दिल से सॉरी,
आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। इस वीडियो में आपको कमेंट करना है और आई बटन पे एक और वीडियो दे दूंगा ताकि आपको प्राइस डिफरेंस समझ में आ जाए कि आपको डीलर बनने में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या आप सिंगल पीस खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, इनके आउटलेट पर से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर और स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, सीधा कॉल करो और यहाँ पे विजिट करना है तो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, सीधा यहाँ पे आ सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग आ सकते हो। और ठंड के मौसम में आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पास में ही शिमला है, घूम भी सकते हो और बिजनेस के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से शिमला 100 किलोमीटर दूर है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइफ इज सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए।